बिग बॉस ओटीटी 3 का पहला इविक्शन हो चुका है, पहला एलिमिनेशन हो चुका है। वीकेंड का वार आने से पहले एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया गया, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, नीरज गौहाट को। लेकिन जैसे ही बाहर निकले उसके बाद उनका मीडिया ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के अंदर वो क्या बोलते हुए नजर आए मैं आपको बता देता हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता हो कि बिग बॉस ओटीटी 3 शुरू हो चुका है, शुरू होने से पहले खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया गया, मतलब एक हफ्ते के अंदर एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया गया और वीकेंड का वार का इंतजार भी नहीं किया गया। जिस तरह सलमान खान वीकेंड के वार के अंदर एक खिलाड़ी को बाहर भेजते थे, लेकिन उससे पहले आप सुधा दू एक खिलाड़ी को बिग बॉस से बाहर भेज दिया गया, जहां पे आप सभी को बताऊं कि दो लोग नॉमिनेट हुए थे, एक शिवानी कुमारी और एक नीरज गौहाट जो कि एक बॉक्सर है। लेकिन ऐसे में आप सुधा दू उससे पहले नीरज गौहाट को बाहर निकाल दिया गया वोटिंग के आधार पर। हालांकि बिग बॉस के सारे घर वाले चाहते थे कि शिवानी बाहर निकले, लेकिन पब्लिक ने जिस तरह से बाहर वोट किया उस बेसिस पे शिवानी को अंदर रखा गया और नीरज गौहाट को बाहर निकाल दिया गया। तो इससे जो बिग बॉस के अंदर जो बाकी खिलाड़ी वो नाराज थे कि ऐसा कैसा हो गया। और आप सुधा दू कई सारी जो नीरज गौहाट की जनता है वो भी नाराज है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किसे वोट किया था, नीरज गौहाट को या शिवानी कुमारी। लेकिन ऐसे में जैसे नीरज गौहाट बाहर आते उसके बाद उनका मीडिया वाले इंटरव्यू लेते और मीडिया वाले कई सारे सवाल पूछते, जिसमें ये भी सवाल पूछते हैं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिग बॉस में जाने का। तो उन्होंने साफ तौर से बोला कि 2-3 दिन जाने को जाना नहीं बोलते और ये ऐसा कैसा हो गया, वीकेंड के वार से पहले मुझे बाहर निकाल दिया गया। और उसी के साथ उनसे एक सवाल पूछते कि वहाँ पे आपको खाना पीना सही से मिल रहा था, तो उन्होंने वो साफ साफ बोला कि देखो जो मेरी प्रोटीन की चीज़ें रहती जो मैं बॉक्सिंग करने के लिए जो खाता था वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि वहाँ की जो खिलाड़ी वो कैसे है, तो उन्हें साफ तौर से बोला गया खिलाड़ी जो है सब अपना गेम खेलने आए और सबके पीछे दो चेहरे, मतलब एक चेहरे से कोई नहीं, कभी कुछ पीछे कोई बोलता है कभी कुछ पीछे कोई बोलता है। और साथ शिवानी कुमारी के बारे में भी उसे सवाल पूछा गया कि शिवानी कुमारी को क्यों नहीं निकाला गया, तुमको क्यों निकाला गया। तो उन्हें साफ तौर से बोला कि शिवानी कैसी भी हो लेकिन वो अच्छी है, साफ दिल की है, वो गाँव की लड़की है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उसी के साथ बोला कि ये तो जनता का फैसला था, लेकिन मुझे बुरी ये बात लगी कि वीकेंड के बारे में मुझे निकालते तो अच्छा रहता लेकिन बीच में क्यों निकाला ये मुझे पता नहीं। और कई सारी मीडिया ने उनसे सवाल पूछे और कई सारे उन्होंने जवाब दिए, लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि जिस तरह से इविक्शन हुआ वो सही हुआ गलत हुआ, मतलब शिवानी कुमारी बाहर जाना चाहिए था नीरज गौहाट, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।